हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वॉच अपडेट में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि होली मनाने के पीछे क्या रीज़न है। बहुत सारी धार्मिक कहानियां भी इससे जुड़ी हुई है जिसे हम जानते हैं। स्पेशली प्रहलाद की कहानी, तो वो तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। इन सब बातों को हम मानते हैं और फॉलो भी करते हैं, लेकिन होली का जितना धार्मिक इम्पोर्टेंस है उतना ही साइंटिफिक रीज़न भी है। तो आइए जानते हैं होली मनाने के पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। होली साल के ऐसे टाइम पर मनाई जाती है जब दो ऋतु एक साथ चल रही होती है। इस समय सर्दियों का मौसम पूरा हो रहा होता है और गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है। तो इसी टाइम में ही हमारे शरीर में और बाहरी वातावरण में भी बहुत ज्यादा हानिकारक बैक्टीरिया है वो बढ़ने लगते हैं। इसी से इस मौसम में कई तरह की बीमारियां हो रही होती है। होलिका दहन के दौरान हम जब होली के फेरे लेते हैं तब होली की गर्मी से हमारे शरीर के बैक्टीरिया मर जाते हैं या काफ़ी मात्रा में दूर हो जाते हैं। वातावरण में भी जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दूर हो जाते हैं, तो इससे वातावरण क्लीन भी हो जाता है, हमारा शरीर भी फिट रहता है और हेल्थी रहता है और बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है। इसी मौसम के दौरान हमारे शरीर में खसरा, चिकन पॉक्स, वायरल बुखार और सर्दी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि हम नेचुरल रंगों से होली खेलते हैं। ये रंग हमारे शरीर में जाकर इन सभी बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। नेचुरल रंगों में यूज होने वाले फूल जैसे कि केसर या पलाश के फूल, जासूद, चंदन का पाउडर, हल्दी पाउडर, केसर, हीना लीव्स, मैरीगोल्ड फूल से हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी फील करती है और चमकने लगती है। स्किन की बीमारियां नहीं होती है, इसलिए हमें भी केमिकल रंगों से दूर रहकर इन नेचुरल रंगों से होली खेलनी चाहिए। होली में मौसम के बदलाव के कारण हमें थकान, नींद और आलस जैसा अनुभव करते हैं, तो इसी दौरान होली में गाए जाने वाले सॉन्ग हमें रिलैक्स फील कराते हैं। होली में जो कल्चरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि ढोल नगाड़े हमारे शरीर को उत्साह से भर देते हैं। होली में खजूर, चने, मुरमुरे, पॉपकॉर्न जैसे स्नैक्स बहुत ही खाए जाते हैं। खजूर और चने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। खजूर में मौजूद फाइबर भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चने प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो इन दिनों खाए जाने वाले स्नैक्स भी आपको सेहतमंद रखने के लिए हेल्प करते हैं। होली का त्यौहार सभी जगह पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये रंगों का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। इसे आनंद और उल्लास से मनाइए और खुश रहे। तो दोस्तों, ये था हमारा ये वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए।